गांव में महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए और पंजाब में नशे की लत को युवा पीढ़ी से दूर करने के मकसद से अमृतसर के सरहदी इलाके अटारी के सरकारी स्कूल में बीएसएफ की तरफ से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गांव की लड़कियों को मार्शल आर्ट्स की विशेष ट्रेनिंग बीएसएफ के जवानों द्वारा दी गई। इसके साथ ही नशे के खिलाफ एक विशेष मुहिम को भी शुरू किया गया, जिसमें युवाओं को नशे से होने वाले नुकसानों के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीएसएफ के आईजी ने बताया कि वाघा बॉर्डर पर घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए जल्द ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी जाएगी। टिकट नहीं लगाई जाएगी किसी भी तरह, वाघा बॉर्डर में एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, सिर्फ हम लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि वीकेंड के दिनों ऐसी भीड़ हो जा रही है कि हम सब लोगों को अंदर नहीं ले पा रहे हैं, तो कुछ लोगों को बाहर रहना पड़ता है, कुछ लोग सेरेमनी नहीं देख पाते, एक तो हम उनके लिए वो लगा रहे हैं LED स्क्रीन, और दूसरा थोड़े आने वाले समय में बहुत जल्दी हम शुरू करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो रजिस्ट्रेशन जिन लोगों का हो गया एक दिन का, तो उनको गारंटेड हो जाएगा कि उन्हें जरूर अंदर सीट मिले।